भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, फिर भी प्लेइंग 11 में वो बने हुए हैं। इसे लेकर क्रिकेट जगत में काफी बातें भी हो रही हैं। कई एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर उन्हें टीम से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जिसमें से पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद तो लगातार ट्वीट कर उन्हें टीम से बाहर निकालने की मांग पर अड़े हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बावजूद सिलेक्शन होने के बाद पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने कहा था कि केएल राहुल का सिलेक्शन प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि पक्षपात के आधार पर हुआ है, जिसके बाद केएल राहुल को लेकर किए गए उनके ट्वीट वायरल हो गए। उन्होंने दूसरा टेस्ट खत्म होने के बाद अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल के आंकड़े शेयर किए। इसके बाद कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा राहुल के बचाव में आ गए और एक वीडियो जिसके अंत में चोपड़ा ने प्रसाद से शांत रहने और एजेंडा को पेडल नहीं करने का आग्रह किया।